अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, सबसे पहले सब आप सबको एक मुबारक। अलबत्त हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और मेरे साथ है मुश्तबा। इधर देखो, कैसे हो, किधर जा रहे हो? अभी मैं मस्जिद जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने। ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। और ये मेरे साथ हैं, हमारे साथ उस्मान भाई। और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पैदल जाना थोड़ा सा मुश्किल है। नमाज के बाद नेक्स्ट स्टेप कुर्बानी। दो दुम्बों की कुर्बानी होनी है आज। अनस का दुम्बा था और एक मेरा। घर पहुँचे तो अनस का दुम्बा कुर्बान हो चुका था। बड़ी ईद पे साफ़ कपड़े सिर्फ ईद की नमाज के वक्त ही पहने जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि अमूमन कुर्बानी में तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर वन, हम कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं। ऑप्शन नंबर टू, हम एक दो दिन पहले जानवर लेते हैं और कुर्बानी के दिन जो है कुर्बान हो जाता है। और ऑप्शन नंबर थ्री, और वो ऑप्शन जो मुझ पर सूट करती है, वो ये कि हम एक जानवर को एक महीना पहले, दो महीने पहले या तीन महीने पहले उसको लेते हैं, अपने हाथों से उसको खाना खिलाते हैं, अपने हाथों से उसको नहलाते हैं, अपने हाथों से उसका ख्याल रखते हैं और उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। और फिर ऑब्वियसली कुर्बानी के दिन थोड़ा सा तो फील होता है। अरे तो आपको कुर्बानी क्यों नहीं करता? हैं? आपको क्यों नहीं छुरी? जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा दिल बहुत चिड़ी जितना है भाई, तकलीफ हो रही है। देखो मैं रो रहा हूँ। एक जानवर है जेड़ा तुसी दो दिन पहला लेंदे हो ना जी, जी उस टाइम ओदे ते छुरी फिरदी है तुहाडे दिल नूं कुछ नहीं, वो नहीं मिलती सुकून। ठीक है, सुकून के फीलिंग है, बाकी सब कुछ। अच्छा, क्योंकि उस्ताद सामने नहीं कहना कोई चीज़ है। मुश्तबा, वो आप दुम्बा देख रहे हो उधर? जी जी। वो इतना परेशान क्यों है? क्योंकि वो कल आज वो हो जाएगा, ज़िबा हो जाएगा। तो उसको कैसे पता कि वो ज़िबा होने वाला है? क्योंकि उसने उसकी और उसका जो मीट है देख लिया है ना, वो कैसे हो गया, तो इस वजह से वो परेशान है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे साथ कौन खेलेगा। हाँ, वैसे इसके सामने दूसरे जानवर को ज़बह करने से ये हालत हुई इसकी। मेरा ख्याल है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और फिर कैमरा आता है एक अल्ट्रा लेजेंड के हाथ में। ये मीट है, स्माइल। और अब हम अगली जगह पे ये कलिया। अच्छा, ठीक है। पहले वाला दुम्बा देखो है, लेकिन अब मेरे वाले दुम्बे की बारी है। लेकिन मुझे लिटरली अब इनके दुम्बे की बारी है ज़िबा होने की। और जब ये ज़िबा हो जाएगा तो हम भी देखेंगे कि कैसे ज़िबा हो जाए। अब उस दुम्बे को पहले गिराया जाए। अपने दुम्बे को अलविदा कहने का वक्त आ गया। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन।